देखिए बारिशों का मौसम शुरू होने जा रहा है और खूब निमोली गिरेगी। निमोली क्या, जो बीज होता है ना नीम का, वो जो छोटी सी येलो कलर की गोल्डन कलर की वो एक कैंडल सा होता है, वो गिरता है नीम के पेड़ से, उसको इकट्ठा कीजिए और उसको अलग अलग पन्नी में, ग्रो बैग्स में, गमलों में आप लगाइए और छोटे छोटे इस तरह के नीम के पौधे लगा के और फिर उसको आप कहीं ना कहीं पार्क में कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। आप ये हमारे नीम अभियान के अंतर्गत ये चीज़ें हम बोल रहे हैं, हमारा पूरा कैंपेन है। सितंबर 2003 से हम ये नीम अभियान चला रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने 74 लाख से ज़्यादा हमने नीम लगाए हैं और अब मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, प्लीज़ ज्वाइन दिस कैंपेन। एंड अभी क्योंकि बिल्कुल राइट समय है, आप निमोली इकट्ठी कीजिए, उसको जर्मिनेट कीजिए, उसको अपने गमलों में लगाइए, उसको ग्रो बैग्स में लगाइए, उसको पॉलीथीन में पन्नियों में लगाइए, उसकी छोटी छोटी सैपलिंग क्रिएट कीजिए और जाके नीम लगाइए। नीम इज़ अ वंडरफुल ट्री, वंडरफुल वंडरफुल ट्री, बहुत अच्छी शेड देता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ विलेज फार्मेसी। इससे ना जाने कितनी औषधियाँ बनती हैं। इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। तो नीम के बारे में तो आपने हमारी पूरे हिंदू संस्कृति में और हमारे पूरे इतिहास में अगर आप देखें तो नीम के बारे में इतना जिक्र है, हमारे आयुर्वेद में इतना नीम को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। सो ज़्यादा से ज़्यादा नीम लगाइए और नीम अभियान का हिस्सा बनिए। एंड डू सेंड अस योर फोटोग्राफ्स, डू सेंड अस योर एक्शंस, डू सेंड अस आपने जो भी काम किया नीम्स के रिलेटेड, आप हमें भेजिए, हम डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे। हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उससे शेयर करेंगे। आप नीम के ऊपर काम कीजिए और नीम के बारे में जो जो आप काम कर रहे हैं हम उसके बारे में लोगों तक भी, आपको पीपल शुड नो दैट यू आर डूइंग गुड वर्क। बी पार्ट ऑफ द नीम अभियान।